अगर आप ऑडियो गाना बहुत सुनते हैं और वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसके लिए यूट्यूब ने एक ऐप निकाला है वाई आई टी म्यूजिक का मतलब ये बहुत पहले से मैं आज बता रहा बताऊँ आपको उसका आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो और इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं ये चलाना बहुत ईजी है मैं आपको सिंपली मैं दो तीन मिनट के अंदर इस वीडियो दिखाने वाला आप किस तरह से इसमें क्या क्या कर सकते हैं वाई आई आई म्यूजिक में क्लिक करता हूँ करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ आपको यहाँ पे सर्च करना चाहते हो तो सर्च करके भी गाना सुन सकते हैं मतलब आपको यहाँ पे कुछ भी वीडियो नहीं आएगा आपके सामने सभी आपके सामने ऑडियो आएगा आप देख सकते हैं इस तरीके से आप उसको करके मतलब नेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो देखना है तो ये मतलब एक ये जो आप चला रहे हैं ये फ्री वाला है ये मतलब आपको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ता है तभी मतलब आप उसका बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं वीडियो ऑडियो सब कुछ लिरिक्स सब कुछ देख सकते हैं तो यहाँ पे आप उसको सिर्फ लाइक कर सकते हैं मतलब ये लाइक करने से आपका फेवरेट में ऐड होगा यहाँ पे आप उसको नेक्स्ट कर सकते हैं मतलब आपका जो प्ले लिस्ट है यहाँ पे एक ऐड आ गया तो इस तरीके से हम आप उसको बैक भी कर सकते हैं मतलब आपको कुछ भी पे मिल, मिल रहा है तो आप इसे सुन सकते हैं आपको यहाँ पे नीचे भी आएंगे आपको बहुत सारा मिल जाएगा यहाँ पे आपको सभी सिंगर्स का फोटो मिल जाएगा आप पे लेस गो में क्लिक करके उन सिंगर का फोटो का मतलब गाना सुन सकते हैं आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं आप कौन सा गाना गाना सुनना चाहते हैं मतलब मैं हिंदी मराठी बंगाली उसके बाद कुछ भी हो भोजपुरी तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट बोल ऑप्शन में क्लिक करने के बाद मेरे सामने और एक ऑप्शन आ गया मतलब कुछ पास सिंगर का मेरे को सिलेक्ट करना जैसे कि मैं यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ पाँच कोई भी हो उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक कर सकते हैं मतलब आप और ज़्यादा भी कर सकते हैं मतलब ये करने से क्या होगा आपके सामने उन्नी का गाना फिर उन्हीं का सॉन्ग या फिर आपने जो मतलब भाषा सिलेक्ट किया उसी के हिसाब से आपके सामने गाना शो करेगा ये आपका होम स्किन है आप यहाँ से सभी गाना सुन सकते हैं यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे तो इस गा का ऑडियो आपके सामने चला आएगा तो अब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं मतलब उनका प्राइम मेम्बरशिप लेना पड़ेगा तो आप ये सुन सकते हैं मतलब आपको अगर वीडियो ऑडियो सुनना है तो आप यहाँ पे सुन सकते कोई दिक्कत नहीं है आप लगा के बैक बैक कर देंगे तो ये वीडियो इस तरीके से चलता रहेगा मतलब ऑडियो चलता रहेगा यहाँ पर ऑडियो में क्लिक करेंगे अब देख सकते यहाँ पे ऑडियो चल रही है यहाँ पे मतलब प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप इसको प्लेलिस्ट में एड कर सकते हैं कुछ भी आप नया नाम लिखेंगे न्यू प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे आप कुछ भी अपना फेवरेट सॉन्ग यहाँ मैं जीजी लिख के क्रिएट कर देता हूं मतलब आप जो भी मतलब गाना आपको अच्छा लगता है आप उस प्ले के अंदर एड करेंगे जैसे कि मैं इस गाना को प्ले लिस्ट के अंदर एड करता हूँ यह गाना भी कर लेता मतलब सिर्फ आपको दिखाने के लिए उसके बाद यहाँ पे, पे प्ले लिस्ट का नाम एडिट कर सकते थ्री डॉट में क्लिक करके प्ले लिस्ट डिलीट उलीट सब कुछ कर सकते डिलीट प्ले आप शेयर भी कर सकते हैं यहाँ पे छुपली में क्लिक करके मतलब एक के बाद दूसरा गाना तीसरा बीच बीच में बसता रहे मतलब सीरियल बसता ना रहे तो आप इसी सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद में आपको दिखा यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सप्लोर का एक्सप्लोर का ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पे आपको न्यू रिलीज मतलब जितना गाना नया रिलीज हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं मतलब जो जो गाना नया अभी अपलोड हुआ है मतलब कुछ दिन पहले अपलोड हुआ है तो आप यहाँ से उसको देख के सुन सकते हैं उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपको एल्बम एंड सिंगर्स मिल जाएगा आपको सी वाल पर क्लिक करके आप पे एल्बम भी सुन सकते हैं मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे राधे श्याम का एल्बम है तो इस एल्बम के अंदर राधे श्याम का सभी गाना आ गया तो यहाँ से मतलब आप उसको चला सकते हैं जो मतलब आपको अलग अलग जगह से अलग अलग पार्ट एक एक वीडियो एक एक सॉन्ग सुनना पड़ता है तो यहाँ से आप पूरा प्ले अगर प्ले कर देंगे तो मतलब ये मतलब राधे श्याम का जितना वीडियो है ऑडियो है सभी एक साथ प्ले होता रहेगा मतलब जितना गाना है तो इस तरह से आप उसको कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे और भी मिल जाता है यहाँ पे आप और भी सिलेक्ट कर सकते हैं हिंदी फिर से सिलेक्ट करेंगे तो मतलब आप जो भी करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन मिलता है मूड्स एंड गेम यहाँ पे क्लिक करके आप मतलब अपना हिसाब से चूज कर सकते हैं अपना लैंग्वेज भाषा आपका क्या क्या अच्छा लगता है उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है लाइब्रेरी का लाइब्रेरी का ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो गाना चला रहे यहाँ पे आपको शो होता रहेगा उसके बाद आपने रिसेंट क्या, क्या क्या प्ले किया आपके सामने वो मतलब आता रहेगा रिसेंट एक्टिविटी में उसके बाद प्ले में क्लिक करके आपके जो प्ले लिस्ट बनाया है वो आपके सामने आ जाएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्ले है लाप सॉन्ग बोलते हैं मैं इसको यूट्यूब में बनाया था यूट्यूब में प्ले लिस्ट में ऐड करके -कर रखा कर था ये मतलब यहाँ पे आ गया क्योंकि सेम ई मेल से यहाँ पे लॉग इन हुआ है तो मैं भी आपको वो प्ले लिस्ट दिखा रहा हूँ मैं यूट्यूबूब ऐप में चला जाता हूँ जाने के बाद यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ, मैं यहाँ पे लाभ सॉन्ग करके एक सौ एक वीडियो का प्ले लिस्ट बनाया तो वही यहाँ पे आ गया था उसके बाद मैंने जो यहाँ पे जी जी करके तीन प्ले लिस्ट बनाया तो ये भी यूट्यूब के अंदर आ गया तो आप भी इस तरीके से उसको दोनों साइड में चला सकते हो उसके बाद यहाँ पे आपको सॉन्ग मिलता है सॉन्ग में क्लिक करके आपने जो जो किया है सुना है तो वो सब भी आपके सामने आ जाएगा उसके बाद एल्बम में क्लिक करके आपके जो जो एल्बम बनाए तो यहाँ पे आप एल्बम में रख सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके मतलब आपने किन किन के चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है मतलब गाना सुनने के लिए आपको उनका वीडियो अपलोड है तो आपके पास आता है तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके भी आप उनका चैनल में देख देख के सकते कि उन्होंने क्या क्या गाना अपलोड किया है इस शेयर बॉक्स में क्लिक करके आप उसको शेयर भी कर सकते कहीं पर इस तरीके से आप प्य आई म्यूजिक ऐप को पूरा चला सकते हैं अपना ऑडियो सुन सकते हैं दिन भर कोई प्रॉब्लम नहीं बीच बीच में एड आता रहेगा तो सभी जगह में आता है मतलब दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी मिली वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए दोस्तों शेयर किया